ये देखो फ्रेंड्स, मेरे आज के प्यारे लड्डू जी का श्रृंगार। तो आ गई है मेरी ब्राउनी दौड़ के, वो मैंने गाय में जिमाया है, सुबह का टाइम हो रहा है। देखो ये है मेरी प्यारी सी ब्राउनी। ये देखो फ्रेंड्स, ब्राउनी जो है इसको लट्टू को बिल्कुल पीने नहीं देती। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, ये दोनों जहाँ भी होते हैं तुरंत मेरे घर के बाहर आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब वो है मेरी गाय माता जो उधर जीम रही है, ये भी पीती तो है दूध। चलो जाओ पी लिया आज का दूध। और मैं जहाँ भी होती हूँ फ्रेंड्स, ब्राउनी और लड्डू मेरे पास आ जाते हैं। आप देखो गऊ माता मैंने जिमा दी है, वो मेरी गऊ माता जहाँ पे जीम रही है। अब ब्राउनी को और लड्डू को मैंने दूध पिला दिया है। राधे राधे फ्रेंड्स, आज के अपने ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह 8:30 बजे से। और फ्रेंड्स, मैंने अपने लड्डू जी को जगा दिया है, अब मैं उनको कराऊंगी स्नान। घर का काफ़ी काम हो चुका है, नाश्ते की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब तक किया नहीं है। बेटा भी चला गया है कॉलेज। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ अपने लड्डू जी को। सुबह सुबह फ्रेंड्स, 6:30 बज रहे हैं और हमने लड्डू जी को उठाकर बिठा दिया है। अब लड्डू जी का कराएंगे हम स्नान। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का आज का श्रृंगार। हम पहनाएंगे आज लड्डू गोपाल जी को ये वाली ड्रेस, और इस वाली ड्रेस से मैचिंग हमने आज ये वाली पगड़ी निकाली है अपने गोपाल के लिए। आज हम मैचिंग में इनको पगड़ी पहनाएंगे फ्रेंड्स। ये एक माला है जो मुझे बहुत पसंद लग रही है, क्योंकि अनन्या लेकर आई थी इस्कॉन टेम्पल से फ्रेंड्स। ये हमारे लड्डू जी के आज हम घुंघराले वाले बाल लगाएंगे, और ये हमारे लड्डू जी का लंगोट है। तो आज का श्रृंगार हम अपने लड्डू जी का कुछ इस तरह से करेंगे। और ये है हमारी गोपाला जिन्हें हम अभी स्नान करा रहे हैं। हमने अपने प्यारे से गोपाला का कर दिया है श्रृंगार, इतनी प्यारी सी पगड़ी है, बहुत ही सुंदर हमारे प्यारे से गोपाला लग रहे हैं पंडित जी। और उनके हमारे गोपाला बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब फ्रेंड्स, हम करेंगे अपना और काम। मेरा छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ा प्यारा है, मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल सखीरी बड़ा प्यारा है। मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे है मेरे गोपाला। तो फ्रेंड्स, हमारे प्यारे गोपाला जी को सजाकर हमने बिठा दिया है झूले में। अब हमारे प्यारे गोपाला जो है वो झूलेंगे। प्यारे प्यारे गोपाला रे, झूले तो पड़ गए अम्मा की डाल पे जी, झूले तो पड़ गए अम्मा की डाल पे जी। ये देखो हमारे गोपाला हैं जो जी झूल रहे हैं मेरे गोपाल। अब मैं अपने गोपाला को नाश्ता कराऊंगी, मेरे गोपाला अब नाश्ता करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं हमें जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं तो कोई ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती, मैं सुबह स्नान कराती हूँ और दिन में 3 बार भोग लगाती हूँ। और किस तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है मुझे कुछ नहीं पता। आए हैं हमारे घर में, हमारा सौभाग्य है
कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ रहने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड मुझे अपने गोपाला के साथ। सुहानी के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता था फ्रेंड्स, पर सुहानी चली गई ऐसे ही अचानक। अब फिर मैंने ओरियो लिया है। ओरियो कब लोग आपने मेरा देखा होगा, मेरा छोटा सा प्यारा सा ओरियो है, अभी आपको मिलवाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, हम लाए अपने प्यारा सा, ये हमारा ओरियो है, छोटा सा ओरियो आपको दिखाते हैं। ये देखो इतना छोटा सा है, ये इसमें ना ऐसे बड़ा सा दिखता है, वैसे बहुत छोटा है ये, इतना छोटा 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 सा। आई मिया बेबी, मुझे समझ नहीं आता, और ये हमेशा कैमरे में बड़ा सा नजर आता है, और वैसे तो छोटा सा बेबी है मेरा। तो फ्रेंड्स ये है मेरा छोटा सा ओरियो, जो लड्डू जी के साथ भी खेलने आता है। अब इसे अच्छे से पलंग के ऊपर चढ़ना नहीं आता, कहीं पे भी कुछ ऐसे करना पाता नहीं है खास, और ये बहुत ही मुश्किल से पलंग पे चढ़ता है, लटक लटक के बच्चों की तरह। अब इसे दूर से छलांग मार के पलंग पे चढ़ना नहीं आया, आ जाएगा धीरे धीरे से, अभी तो बहुत कुछ सीखना है इसको, बहुत छोटा सा है ये। जब ये आया था ना, सिर्फ दूध पीता था, इसको घास खाना आ गया, अभी कुछ थोड़ा थोड़ा खाना भी खाना आ गया है इसको। हमारे घर में एक महीना तो होने ही वाला है, जब लाए थे एक महीने पहले तो बहुत ही छोटा था। ये जो होते हैं फ्रेंड्स, एनिमल की ग्रोथ शायद बहुत जल्दी होती है शुरू में, इसकी भी काफ़ी जल्दी हो रही है। तो आगे मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको पूरे दिन हमने क्या किया आपको दिखाएंगे अपने पूरे ब्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ आप। देखिए फ्रेंड्स, इधर हम बना रहे हैं बर्गर, सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी रहती है, आज नाश्ते में बन रहे हैं हमारे बर्गर। इधर हमने चटनी लगा के बंद रखनी है, सेकने हैं, ये हमारी टिक्की बन रही है। सबके लिए अलग अलग फरमाइश का नाश्ता बनेगा फ्रेंड्स। तो पहले बर्गर बन रहे हैं, फिर आलू के पराठे बनेंगे, फिर पालक पनीर बनाऊंगी मैं आज फ्रेंड। धीमी धीमी आंच पे मैं इन्हें पका रही हूँ, अगर तेज आंच पे पका देंगे तो ये इतनी करारी नहीं बनेगी। तो आप देखिए बहुत धीरे धीरे आंच पे मैंने इसको बनाने रखा है। इधर हमारे टिक्की जो है वो बन गई है, इधर हम रखेंगे तवा और अपने बंद हम सेकेंगे फ्रेंड्स। बर्गर के लिए इधर हमारी प्याज कट रही है, गोल गोल स्लाइस ही अच्छे लगते हैं बर्गर में। तो फ्रेंड्स ये बन गई है टिक्की हमारी अच्छे से, अब हम इसमें लगाएंगे प्याज। बर्गर में प्याज टमाटर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई घर में टमाटर लगा के खाता है, कोई खीरा लगा के खाता है, तो कोई प्याज लगा के खाता है। तो पहले मैं प्याज वाले बना रही हूँ, तो आप देखिए इसमें मैंने लगा दिए प्याज, ढेर सारी प्याज, बहुत पसंद है सबको। ये सिक गई है, हल्का सा ये सिक जाएगी और उसके बाद हम इसको कर देंगे फ्रेंड्स बंद। तो सुबह नाश्ते की तैयारी में बंद तो बन गए हैं,